अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो सैटरडे मॉर्निंग है और सैटरडे वाले दिन आपको पता है, हफ्ते वाले दिन आपके 10,000 काम होते हैं, अपने घर के बहुत सारे काम करने होते हैं, तो हम उठते लेट हैं सैटरडेज को, एज यू ऑल नो। हाँ, आप लोग मेरा रिफ्लेक्शन बैक भी देख रहे होंगे, इट्स हॉट। मैंने अपने बाल सारे एक तरफ लेकर आई क्योंकि इट्स हॉट। अभी तक यहाँ पर गर्मी है, आप लोग मुझे अपने शहरों का बताएं कि वहां गर्मी है या नहीं, लेकिन यहाँ पर तो गर्मी चल रही है। क्वेटा वगैरह में जो है वो ठंड हो गई है और मुझे इतलाएं मिलती रहती हैं कि वहां पर फैन भी जो है वो कम कम ऑन करें। मुझे याद है जब मैं क्वेटा में होती थी तो इस वक्त जो है वो मैं घर वगैरह पैक कर रही थी और ठंड होती थी, ठंड होती थी सीरियसली। और जब एंड के डिनर्स थे ना, तो वो मेरी फैमिली ने मुझे दिए थे, लाइक अगर क्वेटा में आप रहे तो वो मस्किटियर में दिए थे, और मस्किटियर में ऊपर जो है वो पूरा ओपन एरिया था, और वहां पर आई वॉज शिवरिंग क्योंकि इट वॉज वेरी कोल्ड। बट वो एंड ऑफ सेप्टेम्बर था, लेकिन अभी की मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पर मौसम अच्छा है। तो कम बैक टू सैटरडे, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है और आज मैंने करने हैं अपने कुछ कपड़ों का काम करना है, आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या करना है मैंने। और टेलर के बारे में क्वेश्चन आते हैं, देखिए टेलर मुझे भी कभी कपड़े टाइम पे नहीं देता, थोड़ा टाइम लगा के देता है, तो मैं किसी का ऐसे एड्रेस नहीं शेयर कर सकती। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे घर के पास एक अदद खातून रहती हैं जो लेट्स सी, उनको मैं पहले एक शर्ट दूंगी कि अगर उन्होंने अच्छी सी दी तो फिर मैं उनको अपने घर बुला के तो उनसे जो है ना अपने कपड़े स्टिच करा लिया करूंगी, बिकॉज आई रियली नीड टू स्टिच अ लॉट ऑफ ड्रेसेस। मेरे बहुत सारे ऐसे कपड़े जो अभी तक मैंने स्टिच नहीं करवाए हुए, तो मुझे था कि मैं करवा लूँ। अभी वैसे भी गर्मी है, फिर अगले साल की देखी जाएगी, अगला साल किसने देखा है, अल्लाह ताला बस सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना गर्मियों के कपड़ों का थोड़ा सा काम। ट्राउजर्स है ना इस तरह की, तो ये मैं पहनती हूँ फॉर माई वॉक। इससे जो है ना, एक तो आपके कपड़े खराब नहीं होते, दूसरा ये हो जाता है कि वॉक बड़ी आसानी से हो जाती है इस तरह के ट्राउजर में। और बहुत से लोगों को होता है कि वो वॉक करते तो रैश पड़ जाती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर आप इस टाइप के पजामे पहने जो बिल्कुल टाइट से होते हैं। और लेकिन मैं ये बेल बॉटम पहनती हूँ, बिल्कुल पजामा पहन नहीं सकती, तो ये बेल बॉटम की तरह के होते हैं एज यू ऑल कैन सी। और उसके बाद ये होता है कि इसमें थोड़ी सी स्वेटिंग होती है आपको और आप बहुत अच्छी वॉक कर सकते हैं। तो ये मेरे वॉक वाले पजामे जो कि मैं अलग कर रही हूँ। सीजन किसी को दे देने, और ये कपड़े जो है ना मैंने धोबी को इस्त्री कराने भिजवाने, तो ये देखूंगी इसमें अगर जो बैले होंगे वो अलग कर दूंगी और साफ कपड़े जो है वो इस्त्री होने चाहिए। सारे मैंने रेडी करके रख लिए यहाँ पर धोबी के लिए, अब मैं भिजवाऊंगी इस्त्री कराने के लिए। हाँ जी, तो नॉट एथनिक मैं लाइम लाइट से कपड़े लेकर आई थी लास्ट मंथ, और वो कपड़े मैंने स्टिच नहीं कराए थे। एक तो इसका ये सिल्क वाला है, ये तो शायद मैं टेलर को दूंगी, मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाला, दिस वन सिल्क वन। जो दूसरा मेरा जोड़ा है ये वाला शर्ट है, ये मैं सोच रही जो नई मैं खातून ढूंढी है उनको दे देती हूँ कि वो पहले मुझे ये स्टिच कर दें। इसमें कोई ऐसा स्टिच है नहीं, बस एक लेस लगी हुई है, तो मैं देखती हूँ अगर मेरे पास घर से कोई नई लेस निकल आई तो वो मैं इस पर लगवा लूँगी, और मैं देखती हूँ कि वो अगर अच्छे सीती है तो उस बाद फिर मैं उनको और कपड़े दूंगी। तो ये मैं निकाल के ज़रा श्रिंक कर लूँ। बहुत ही प्यारा ब्लैक एंड खाकी एंड वाइट एंड
ऑरेंज एंड रेड कलर का है सूट, एज यू ऑल कैन सी। तो ये वाला जो है मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको श्रिंक करूँ और ये शायद इस तरह करके मैं आपको जब थोड़ा सा सही कैमरा करके दिखाती हूँ कि किस तरह लगेगी। हाँ जी, सो आई थिंक ये इस तरह से आएगा और स्लीव्स इसमें यही है, मीन्स इस कपड़े को ही स्लीव के तौर पे उन्होंने यूज किया। तो मैं इसको ना अभी करने लगी हूँ श्रिंक, बस सिंपल। अब मैं इसको तय करूंगी, श्रिंक का तरीका भी बता दूं कि मैं किस तरह करती हूँ। मैं सिंपल जोड़े को लेके ना, तो तय करके, खोल के नहीं, तय करके तो पानी में डाल देती हूँ और उसके बाद ना उसी तरह उठा के हल्का सा नचोड़ के तो मैं फैला देती हूँ, तो मेरे कपड़े हो जाते हैं श्रिंक। और आजकल इतना बारिशों का मौसम है ना इधर पिंडी इस्लामाबाद में कि आपकी सोच है, तो उसमें यह कि श्रिंक हो जाए इतनी बहुत बड़ी बात है। ब्रांड दोबारा देख लें, मैंने 999 की ली थी, आई थिंक थोड़ी सी सेल हुई थी। और ये वाली जो शर्ट है ना, इसकी मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये वाली इट इज सिल्क। तो ये मैं सोच रही हूँ कि पहले एक दफ़ा ये सिलवा के देखती हूँ, अगर अच्छा सी के देती हैं तब मैं इनको दूंगी, अदरवाइज मैं इसको टेलर को दे दूंगी। सिंपल सी शर्ट सिलवाऊंगी इसी तरह बोट नेक वाली, और ये देख सकते हैं बटन लगी, मैं तो वैसे ही सिलवाऊंगी। तो ये वाला मैं नहीं सिलवा रही, इसको मैं रख रही हूँ इसके अंदर ही, और जो ये शर्ट है इसको श्रिंक कर दूँ, क्योंकि मुझे ना टेलर पे जाना, मैं भूल जाती हूँ कपड़े देना, और सीरियसली इतने कपड़े हैं वो फिर आप खरीदते हो और आप फिर पहनते नहीं हो, तो फ़ायदा कोई नहीं है ना। तो ये मैं अभी इसको तो रख रही हूँ और श्रिंक करके, तो उसके बाद इंशाल्लाह उनको बुलाऊंगी और उनसे मैं ये जोड़ा अपना स्टिच करवा दूँगी। ये देखिए मैंने इसमें डाल दी है, सॉरी लाइट यहाँ पर ड्राई, मेरे जो वॉशरूम है इसमें कम है, तो ये मैं छोड़ दूंगी, आधे घंटे के बाद जो है ना मैं इसको निकाल लूंगी। हाँ जी, तो कई दिन हो गए मैंने मास्क नहीं लगाया, टुडे आई वाज थिंकिंग कि मैं मास्क लगाती हूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा मास्क लगा रही हूँ। तो ये वाला मास्क है जो मैं लगाऊंगी, एंड ये बॉडी शॉप का सीवीट मास्क है। इसके अलावा मैं मास्क लगाती हूँ, लेकिन ये मास्क जो है ये अच्छा है, मुझे फील हो रहा है जैसे मेरे चेहरे पे जो है ये देख सकते हैं ये एक पिंपल निकल आया है एक आध, तो ये बहुत अच्छा मास्क है फॉर पिंपल्स एंड ऑल। तो मैं जरा आपको जो है ना ये मड में आपको लगा के दिखाऊंगी ना, तब आपको क्लियरली नजर आएगा कि ये मास्क किस तरह का लुक देता है, और इसकी स्मेल बहुत मजे की होती है सीरियसली। सीवीड की तरह बिल्कुल भी नहीं होती, जो कराची में सीव्यू से खुशबू आती है वैसे बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत मजे की खुशबू आती है इसकी। तो अब मैं ये वाला मास्क ना अपने चेहरे पर अप्लाई करूंगी। सबसे पहले तो मैं अपने बाल बंद करूँ और मैं उनको थोड़ा सा क्लिप लगा लूँ ताकि मेरे बाल जो है ना वो आए ना, यू नो वंस अ मंथ तो नहीं, वंस अ वीक आप अपने फेस पे जरूर कोई ना कोई मास्क लगाया करें। और जो मेरा मास्क का ब्रश है ना वो ये वाला है, ये वाला मैंने मिनीसो से लिया था, और यही मैं फॉर अप्लाइंग द मास्क यूज़ करती हूँ। कोई भी मास्क जब मुझे लगाना होता है तो यही वाला मास्क का ब्रश मैं यूज़ करती हूँ। थोड़ा सा मैं इसको वेट करूँगी, और मैं इस मास्क के ऊपर लगाऊंगी, क्योंकि ये मास्क जो है ना ड्राई हो जाता है, और परेशान ना हो अगर आपका मास्क जो है ना वो ड्राई हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा थोड़ा सा क्या बहुत अच्छा ड्राई हो गया, आप थोड़ा सा ब्रश गीला करेंगे इट विल वर्क द सेम। शीशा मैंने रखा हुआ है अपने साथ, ये आपको याद होगा उस दिन मैं लेकर आई थी गीगा मॉल से, तो इसके जरिए मैं अपना मास्क अप्लाई करूंगी, क्योंकि ये मड मास्क है ना, तो ये इस तरह की दूसरी मास्क की तरह का कलर चेंज नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा जैसे मैंने अपने चेहरे पे मड लगाई हुई है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ये मुल्तानी मिट्टी का भी मैं मास्क बनाती हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों से जरूर शेयर करूंगी।
अब मैंने अप्लाई कर लिया है एंड आई विल लीव इट जब तक ये बिल्कुल मेरी फुली स्किन जो है ना ड्राई ना हो जाए। अब जब मेरा ये जो मास्क है ये बिल्कुल ड्राई हो गया है तो ये मेरे पास एक पफ है, इसको मैं थोड़ा सा गीला करूंगी। डायरेक्टली मैं अपना फेस जो है ना वो पानी से नहीं धोती, मैं इस पफ को गीला करूंगी और इसको जो है ना मैं अपने फेस पे इस तरह से, ये आपको नजर आ रहा होगा ये मड मास्क है, ये हटाऊंगी क्योंकि ये सॉफ्ट होता है। और ये मैं लेकर आई थी 2-3 जब मैं गई थी चेस वैल्यू, तो उससे ये हो जाता है कि मास्क ना आपको आपकी स्किन जो है ना आपको पता है हार्श होती है थोड़ी सी, ये मास्क थोड़े से हार्श होते हैं, आप जब फेस पे लगाते हो तो वो जब ड्राई होता है ना तो जब आप उसको हटाते हो तो थोड़ा टाइम लगा के वो हटता है। तो आपने सिंपली ये करना है, आपने इस तरह कोई भी आपके पास स्पंज है आप वो यूज कर लें और अच्छी तरह से पहले आपने इससे अपने फेस पे से गर्दन पे से हटाना है। अगर आप पार्लर भी जाते हैं ना, सॉरी पता नहीं ये लाइट जो है ना मेरे वॉशरूम में थोड़ी सी लाइट नहीं, मेरा फोन पता नहीं क्या कर रहा है वॉशरूम में। एक्चुअली यहाँ पर ना मेरा वॉशरूम बहुत तारीख है एज यू ऑल नो, तो मैं आपको थोड़ा डिटेल बता रही थी। तो ये अगर आप पार्लर भी जाते हैं ना तो वो इसी तरह से आपका जो है ना फेस वॉश कराते हैं, डायरेक्टली आपको नहीं कहते कि आप फेस वॉश कर लें। तो इस तरह से करने से हो जाता है कि आपका फेस बहुत साफ हो जाता है और फिर आप पानी जो है ना रनिंग वाटर से लेके अच्छी तरह से अपने फेस पे उस वक्त लगा सकते हैं। हाँ जी, तो मास्क वगैरह मैंने लगा लिया है और मैंने फेस वॉश कर लिया है। आई एम फीलिंग सो फ्रेश आफ्टर दैट मास्क। एंड जो मास्क मैं यूज कर रही थी वो द बॉडी शॉप का सीवीड मास्क था। अगर आपके पास मास्क नहीं है आप घबराएं नहीं, मैंने बहुत सारे DIY मास्क भी आप लोगों के साथ अपने चैनल पे शेयर किए हुए हैं, आप वो भी लगा सकते हैं। अगर वो चैनल का आपको नहीं पता तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वैसे अगर आप मेरे चैनल को नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप लोगों को स्टाइल योर लाइफ विद एरम का नाम मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है तो वो आपको नजर आ जाएगा। मैं वैसे नीचे लिंक डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। मास्क लगाना क्यों जरूरी है, थोड़ी बात उस पर कर लेते हैं। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन अच्छी लगे, फ्रेश लगे और खूबसूरत लगे, और इसके अलावा यह है कि कभी अपने आप को भी टाइम दे दिया करें, इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास सारा दिन आप घर के कामों में ही लगी रहेंगी ना तो कोई काम जो है ना वो घर के काम खत्म नहीं होते, फ्रेंकली स्पीकिंग घर के काम खत्म नहीं होते। हाँ जी, आपको अपने आप को जरूर टाइम देना चाहिए, चाहे वो 20 मिनट ही क्यों ना दिन में हो। तो मैं अपने आप को लाइक दिन में जरूर टाइम देती हूँ। काफी दफा ऐसा होता है कि मैं आप लोगों से व्लॉग में नहीं शेयर करती, लेकिन मुझे इतने अभी आते हैं मैसेजेस कि प्लीज स्किन केयर भी शेयर किया करें, तो अभी मैं आप लोगों के साथ स्किन केयर शेयर किया करूंगी जो कि मेरी डेली रूटीन में आती हैं। मींस हफ्ते में 2 से 3 दफा तो मैं जरूर मास्क लगाती हूँ। कोई DIY होता है या इस तरह के रेडीमेड मास्क होते हैं, रेडीमेड मास्क का ये हो जाता है कि ये वाले मास्क जो होते हैं ना ये एक दफा की खरीदना है और ये साल आराम से गुजार लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। जब मेरे चेहरे पे मुझे फील होता है, स्पेशली मेरी बेटी ये ज्यादा यूज करती है क्योंकि उसके चेहरे पे पिंपल्स निकलते रहते हैं, मेरे चेहरे पे कभी 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 एक आध पिंपल निकल आता है तो मैं जरूर इसको यूज करती हूँ। इट इज गुड फॉर पिंपल्स, ये आपकी जो पिंपल्स वाली जगह होती है उसको ड्राई कर देते हैं। अगर एक आध छोटा सा भी पिंपल जैसे यहां निकला है ना तो मैं इसके ऊपर जब लगा लूंगी तो वो थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाएगा। तो मास्क लगाना मस्ट है। अगर आप लोग मास्क नहीं लगाएंगे ना, सीरियसली आप जो है ना अपनी स्किन के साथ बहुत जुल्म करेंगे। यू नो आई एम इन अ मिडल एज, आई एम नॉट अ टीनेजर, नॉट इन माई 20s, आई एम अबव 30। मुझे पता है कि अगर मैं अभी से अपना, मैं बल्कि 20 की एज से अपना स्किन का बहुत ख्याल रखती हूँ, अगर मैं नहीं रखूंगी कोई आके मुझे नहीं कहेगा कि प्लीज अपनी स्किन का ख्याल रख लें। तो आप लोगों को अपनी स्किन का ख्याल खुद रखना है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। और कुछ नहीं मिल रहा, आपने जो भी खाया है वही थोड़ा सा मुंह पे लगा लें तो वो इट विल वर्क। सीरियसली मेरी फुप्पो है, मुझे याद है कि वो खा रही भी होती थी और लगाती भी थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उनको जिंदगी दे, शी इज लाइक शी इज हैविंग अ गुड स्किन। मेरी फैमिली में माशाल्लाह सबकी बहुत अच्छी स्किन है और हर एक अपना बहुत ख्याल रखता है, आप लोगों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। एंड बस अभी मैंने मास्क लगा लिया है और अभी आज सोचें कि आज मेरी फैमिली कह रही है, सारा जो है टब्बर कह रहा है हमने दही बल्ले खाने, तो अभी मैं जाऊंगी दही बल्ले बनाऊंगी, फुल्की बनाऊंगी और साथ में जो है ना दही बनाऊंगी। चटनी वटनी मेरा सच नहीं है इरादा, बस दही बल्ले बनाएंगे। और आज हम जो है ना यू कैन से आज सारा दिन ये था कि मैं कामों पे लगी रही थी और अभी मैंने मास्क वगैरह लगा लिया तो अभी मुझे था कि मैं दही बल्ले बनाती हूँ और बस दही बल्ले बना के मैं उनको सर्व करूंगी।
हाँ जी, तो ये मेरी बेटी के बाल है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में भी। यू कैन सी शी इज हैविंग वेरी लॉन्ग हेयर, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो ये है कि उसकी हेयर केयर रूटीन की मैंने वीडियो शूट की, इंशाल्लाह ताला कभी मैं ज़रूर शेयर करूंगी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि मैं उसको एडिट करूँ, वो अच्छी खासी लंबी वीडियो है। तो अभी आप देख सकते हैं उसने अपने बालों में जो तेल लगाया, क्योंकि मैं इसके बालों में तेल लगाती थी, अब ये माशाल्लाह इतनी अच्छी है, ये अपने बालों में खुद तेल लगाती है, बोलेगी नहीं, शी इज क्वाइट। तो ये इसके बालों में जो कौन कौन से तेल थे, 5-4 किस्म के तेल लगे हैं, धनिया का ऑयल, और साथ में जो है वो कभी मैं आप लोगों को ऑयल दिखाऊंगी भी किस तरह बनता है, थोड़ा थोड़ा सा आप मिक्स कर लेते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल एंड सरसों का ऑयल, 4-5 ऑयल मिला के उसको गर्म करके तो बालों पर लगा लें। तो अब ये इसने लगा लिया है और हाफ एन आवर के लिए इसको छोड़ देगी, और उसके बाद जो है ना ये इसको वॉश करके तो कंडीशनर लगा लेगी, तो इसके बाल जो है ना माशाल्लाह से हैवी भी हैं और अच्छे भी लगते हैं। हाँ जी, तो दही बल्ले जो है वो बन रहे हैं, भल्ले फुल्कियाँ मैं बना रही हूँ, साथ में जो है वो मैंने दही बनने के लिए रखी हुई है, बना के रख दी है। सो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, और अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा, और कोई क्वेरीज होती है ज़रूर कॉमेंट करें, आई एम वेटिंग फॉर द कॉमेंट्स। सो सी यू इंशाल्लाह ताला टुमारो इन माई टुमारोज़ व्लॉग, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।